है कि चंबा विधानसभा क्षेत्र में 10th के उद्घाटन और शिलान्यास के कार्यक्रम एक दिन में एक समय में एक जगह हुए और 200 करोड़ के करीब उद्घाटन और शिलान्यास यहाँ पर आज किए हमने संपन्न। इसके लिए सभी चंबा वासियों को बधाई देता हूँ, विधायक महोदय को भी बधाई देता हूँ, नैयर जी को। और दूसरा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का आज जन्म दिवस है, उनकी जयंती पर मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूँ, उनके योगदान को स्मरण करता हूँ। देश के लिए उनका बहुत बड़ा योगदान रहा, भारत का संविधान का निर्माण उनके हाथों हुआ है और उस योगदान को भी स्मरण करता हूँ। और उसके अतिरिक्त चंबा हमारा जिला जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ विकास को गति देना हमारी प्राथमिकता प्रदेश सरकार की भी रही है और उसके अतिरिक्त केंद्र सरकार की भी विशेष प्राथमिकता इस चंबा जिला के लिए विकास की दृष्टि से रही है। इसलिए पूरे 12 जिलों में एकमात्र जिला ये है जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, जहाँ ज़्यादा काम करने की जरूरत है, ज़्यादा तरजीह देने की जरूरत है। हम हिमाचल प्रदेश सरकार के माध्यम से यथासंभव जितना भी हमसे हो पा रहा है चंबा के विकास के लिए योगदान देने की कोशिश कर रहे हैं और आने वाले समय में मुझे पूरा भरोसा है कि आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जहाँ हिमाचल का विकास हो रहा है, वहाँ चंबा भी बहुत तेज़ी से विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है। सर, पुलिस की भर्ती को लेकर लगातार एक स्पीच छोट वायरल हो रहा है, उसमें कहा जा रहा है कि पुलिस की भर्ती में धांधली हुई है, इसमें क्या स्टैंड है? देखिए, हमने उसकी पूरी रिपोर्ट मांगी है, जानकारी, क्योंकि कहना एक बात होती है, वास्तव में हुआ क्या है ये तह तक जाने की आवश्यकता है। और इस प्रकार की बातें जब आज से पहले हुई, हमने उस पर कार्रवाई की है और कार्रवाई ऐसी सख्त कार्रवाई की है जो अब आने वाले लंबे समय तक याद रहेगी। जिन लोगों ने इस प्रकार के प्रयत्न प्रयास किए हैं, कोई गुंजाइश नहीं। और मेरा ये मानना है कि पारदर्शिता के साथ भर्तियों का काम चला हुआ है। अगर लेकिन उसके बावजूद भी कोई टेक्निकल कुछ इस तरह की बात है, रिपोर्ट आने के बाद ही उस बारे में बात सर चंबा में चंबा मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर्स पैरामेडिकल स्टाफ सारी की कमी बहुत चल रही है। इस बात से सहमत, चंबा एक ऐसा हमारा मेडिकल कॉलेज जो आप जहाँ है वहाँ पर अभी तक हमारे पास सुविधाओं की कमी है, खासतौर से मैन पावर की कमी, डॉक्टर की है, स्टाफ नर्सिस की है, पैरामेडिकल स्टाफ की है। लगातार हम इस सारी चीज़ के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, कुछ डॉक्टर ज्वाइन किए हैं, कुछ डॉक्टर की भर्ती की है, भर्ती करने के बाद ज्वाइनिंग देंगे, कुछ और भी ज़्यादा हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा